नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने प्रवासी भारतीयों को दुनिया के लिए भारत का राष्ट्रदूत करा दिया है। क्या रहा खास इस पूरे महाकुंभ में, करेंगे आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर क्या है जोशीमठ के इस वक्त के हालात, होगी बात G20 के तहत चल रही वित्तीय समावेशन की बैठक की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने इंदौर में सत्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा, कहा भारत की अमृतकाल की यात्रा में उनका अहम योगदान। बताया विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत। कहा आज भारत का ये कमिटमेंट, आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपतियों ने की पीएम मोदी के जोरदार सराहना। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा हम मोदी जी के नेतृत्व और दुनिया को एक परिवार मानने की दृष्टि से है उपकृत। गुयाना के राष्ट्रपति ने कहा कोविड में जब वैश्वीकरण की संपूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी तब पीएम मोदी ने देशों की सहायता कर दुनिया को प्रेम और सहयोग का दिया संदेश। देश ने जबरन या धोखे से हो रहे धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता, कहा यह सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं, हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है, इसे किसी भी एक राज्य से जोड़कर राजनीतिक रंग देने को नकारा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी है घमासान। बीजेपी ने पंजाब में बलबीर सिंह को मंत्री बनाने पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली में महिला सुरक्षा की राजनीति कर रही है और दूसरी ओर पंजाब में महिलाओं पर हमला करने वाले बलबीर सिंह को मंत्री बनाया। केजरीवाल पर पैसे लेकर भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाने का लगाया आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को उन्होंने किया संबोधित, कहा हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना। G20 की अध्यक्षता को बताया भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात पर केंद्र राज्य सरकारें लगातार एक्शन में। केंद्रीय टीम ने पहुंचकर लिया हालात का जायजा। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को किया आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक, पुनर्वास का काम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई से किया इनकार। ब्राजील की संसद पर पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों ने बोला हमला, सैकड़ों लोगों को किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रपति ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने की घटना की निंदा। देश के उत्तरी राज्यों समेत कई इलाकों में ठंड और कोहरे का कहर जारी। शीतलहर की चपेट में कई राज्य, कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित। मौसम विभाग ने कई राज्यों में मंगलवार से शीतलहर में कमी आने का जताया अनुमान। अगले कुछ दिनों में पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आजादी के अमृत काल में प्रवासी भारतीय विकसित भारत के लिए कैसे एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने रखा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज से आगाज हो गया। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को दुनिया के लिए भारत का राष्ट्रदूत करा दिया, तो प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता को भी एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया को भारत के बारे में बताने और दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का एक बड़ा मौका है। विश्व भर में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का सोमवार को औपचारिक शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भव्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शुभारंभ समारोह के दौरान स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में रह रहे भारतीय समुदाय को सराहा। पीएम ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान, नया मुकाम मिला है।
ऐसे में भारत को लेकर दुनिया की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को दुनिया के लिए भारत का राष्ट्रदूत करार दिया। यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, यू आर ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडियाज मिलेट्स। यू ऑल्सो हैव अनदर इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस रैपिडली चेंजिंग टाइम्स। You are the people who will address the world's desire to know more about India. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय विश्व में जहां कहीं भी है अपनी परंपराओं और मूल्यों को साथ रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा कहती है कि पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा, हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। पीएम ने प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा अलग अलग देशों में किए गए कारनामों को संग्रहित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत के बढ़ते दबदबे का भी जिक्र किया। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया को भारत के बारे में बताने और दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का मौका है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है, ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आदित्य, मेघना और आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मंच पर जब मेहमान पहुंचे तो भारत और पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दुनिया की दिशा देने वाला और बताया, साथ ही साथ उनके द्वारा भारत में किए जा रहे विकास कार्यों की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों से सीधा संवाद किया तो तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों को भी विस्तार से रेखांकित किया।
17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सूरीनाम और गयाना के नेताओं ने विश्व मंच पर भारत के दबदबे को सराहा। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दुनिया को दिशा देने वाला बताया। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में नए जोश नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व और G20 की भारत की अध्यक्षता में विश्व के लिए एक मजबूत संदेश है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, योर लीडरशिप एंड विजन फॉर द G20 एक्सप्रेस बाय द थीम वन प्लेनेट वन फैमिली वन फ्यूचर is fully embedded in the philosophy namely Vasudeva Kutumbakam Mahur Bhava Janayaya Jaivyam Janam. The world is one family, human life is divine. सूरीनाम में भारतीय समुदाय के पहली बार पहुंचने की वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश अपने प्राचीन रिश्तों की मदद से सहयोग की नई संभावनाएं खोज सकते हैं। My country Suriname is honored to mark the 150th anniversary of Indian arrival in Suriname in 2023, a significant milestone in the long and rich history of relations between our two countries. But they manage to keep their values, their dharma and their identity, their pahichan. It is crucial to nurture these historical and cultural bonds and look ahead and chart a path towards broader economic and trade engagements and increase investment between our nations. गयाना के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना काल को याद किया और भारत द्वारा टीके के जरिए कई देशों की मदद का जिक्र किया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने कहा कि भारत प्रगतिशील देशों की सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भारत ने दुनिया के लिए मिसाल कायम की है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वी ओ यू ए डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हेन द वर्ल्ड लॉक्ड इट्स बॉर्डर्स and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. सूरीनाम और गयाना के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई नामचीन नेता पीएम मोदी के नेतृत्व को सराह चुके हैं। आदित्य, मेघना और आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और अन्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। तो वहीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ हाइड्रोकार्बन, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पहल समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से व्यापक बातचीत की। एयरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम G20 की अध्यक्षता को भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखते हैं।
इंडिया इज करेंटली होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20. द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. द अपकमिंग G20 समिट इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस. फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स कंपैरेटिवली स्लोअर प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स माउंटिंग पब्लिक डेट बर्डन्स एंड अर्जेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज. और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं. We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है. शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है. शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने. शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके. बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने. नम या गीले कपड़े तुरंत बदले. गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं. शराब मत पिए. यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें. अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं. आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं. सतर्क रहें, सुरक्षित रहें. NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी. On boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया. अरे तो बैंक को कंप्लेन करना. बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं. RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो. रुक मैं समझाता हूँ. जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ऑम्बुड्समैन. RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं. ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का. फ्री RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर. कोलकाता में G20 के फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हुई है. कोलकाता में हो रहे इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य ध्यान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने और विदेशों से धन भेजने की लागत में कमी लाने पर रहेगा. भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा G20 वसुधैव कुटुंबकम एक धरती एक विश्व एक परिवार की थीम पर आधारित है. G20 की थीम दुनिया में न्याय संगत तरक्की और सबके साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है. आज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI के कार्य समूह की पहली बैठक वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भावनाओं को खोलने के उद्देश्य से शुरू हुई.
भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार चंचल चंद सरकार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ सौरभ गर्ग और भारतीय रिजर्व बैंक में वित्तीय समावेशन की मुख्य महाप्रबंधक सोनाली सेनगुप्ता मौजूद रहे। गरीबी को समाप्त करने और कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन बेहद महत्वपूर्ण है। यह सतत और समावेशी आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। That enable the effective provision of essential society-wide functions and services in the public and private sectors have the potential to unlock barriers to financial services access and usage and help individuals, households and businesses to tap economic efficiencies leading to productivity gains. GPFI over the years, during various presidencies, has developed pathways to further digital financial inclusion. During our presidency, we'll continue to focus towards furthering the cause of technology-led financial inclusion. GPFI कार्य समूह की पहली बैठक में डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर सह अध्यक्ष डॉक्टर मडगा बियाको ने नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा का एक संदेश पढ़ा। Fair competition and interoperable payment systems help markets work better for even the smallest scale customers. Cybersecurity, customer protection, data governance, and digital literacy help marginalized communities navigate these services in ways that work for them. G20 के प्रतिनिधियों ने वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल नवाचार पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। प्रदर्शनी में भारत की स्वदेशी तकनीकों, उपलब्धियों और प्रयासों को दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित हो रही बैठक से प्रतिनिधियों को प्रदेश की परंपरा और संस्कृति से करीब से रूबरू होने का अवसर प्रदान करेगी। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान G20 के प्रतिनिधि यहां की समृद्ध संस्कृति, खानों, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और कोलकाता की प्रसिद्ध आर्ट गैलरियों का दौरा करेंगे। जिस तरह से हम देश के कोने कोने से इंडिया की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया तक G20 के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं, यहाँ पर कोलकाता की भी एक जबरदस्त क्रूज की सवारी के अलावा जो यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य हैं उससे भी जो G20 का डेलीगेशन है उसको परिचित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD News कोलकाता। और अब खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई। जोशीमठ में आज विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस बीच डेंजर जोन में आ रहे मकानों को वहां पर खाली कराया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास किया जा रहा है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री का वितरण कर रहा है तो सामान को निकालने में भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार लगातार राहत और बचाव के कार्य के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है। उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र राज्य सरकार लगातार एक्शन में है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके अलावा जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अस्थायी तौर पर विस्थापित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। जिस इलाके को डेंजर जोन घोषित किया गया है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पूरी टीम लोगों की मदद के लिए मुस्तैद है। जो दरारें हैं काफी रिलेटिवली काफी स्पीड से यहां बढ़ी हैं और अभी भी कुछ जगह बढ़ रही हैं, तो उसको देखते हुए जो प्रभावित लोग हैं उनमें से कई परिवार, लगभग 45 परिवार हैं जो जिनको हमने अभी टेम्पररी लोकेशंस पर हमने शिफ्ट किया है। सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम और गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव की टीम भी जोशीमठ का दौरा करने पहुंची। विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ के हालात का जायजा लिया और कैसे इस आपदा से निपटा जा सकता है इसका आकलन किया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में स्थानीय लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है तो लोगों से ये अपील भी की कि वो प्रशासन का सहयोग करें। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी जोशीमठ के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने हमें हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है। जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं उनसे आज मेरी लंबी वार्ता सुबह हुई है। उन्होंने स्वयं कहा है मुझसे कि आप पूरी तरह से वहां जाके एक एक रिपोर्ट लाइए, क्योंकि मैं तो जा ही रहा था तो उनका आदेश मुझे मिला कि आप जाइए।
तो वहाँ पर देखने के लिए मैं भी जा रहा हूँ। जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गया है। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पहले जरूरी प्रक्रिया को अपनाएं, कल इस याचिका को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें। अफरा तफरी का माहौल है, ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग की है और ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी अनुसार यहाँ के लोगों की मदद की जाए। उधर चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जोशीमठ नगर में अब तक 603 इमारतों में दरार आ गई है। 68 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं। प्रशासन ने अत्यधिक भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में निवासियों को बाहर ले जाने के आदेश दिए हैं। ऐसे ही एक मकान में हम पहुंचे हैं जहां दरार के कारण अब ये मकान डेंजर जोन में है, यहाँ पर रह नहीं सकते, लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। पूरा जो फर्श है वो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, और कभी भी किसी भी क्षण ये मकान ढह सकता है। इससे पहले राज्य के सीएम ने जोशीमठ का दौरा करके जमीनी हकीकत को जाना, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके सीएम धामी से हालात की जानकारी ली थी और हर संभव मदद का भरोसा दिया था। पीएम मोदी के प्रधान सचिव भी इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और अब केंद्र से गई विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश के आधार पर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल? मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पंजाब के मंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर हुए इस्तीफे के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। बीजेपी ने आप पर जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा दिल्ली में मेयर चुनाव के समय की गई हाथापाई को लेकर भी उनका इस्तीफा मांगा है।
पंजाब के मंत्री फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे के बाद वहां बलबीर सिंह को नया मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया है। बीजेपी ने पहले तो सरारी के इस्तीफे पर पार्टी को घेरा और अब नए मंत्री को लेकर भी वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सोमवार को बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति करती है, लेकिन इसके उलट पंजाब में महिलाओं पर हमला करने वाले बलबीर सिंह को मंत्री बना देती है, जो 3 साल की सजा काट चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पैसे लेकर भ्रष्ट लोगों को मंत्री बनाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी औरतों के नाम के ऊपर राजनीति करती है और आज आम आदमी पार्टी उन लोगों को मंत्री बना रही है जो लोग औरतों पे हमला करके सजा याफ्ता अक्यूज्ड हैं। ऐसे बलबीर सिंह को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर मंत्री बनाने का काम किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक और मामले पर घेरा है। ये मामला है वकीलों की महंगी फीस का। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ईडी की तरफ से एक्साइज डिपार्टमेंट में लगाए नए एफआईआर पर अपने लोगों को बचाने के लिए महंगे वकील को फीस दे रही है। पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास अपने वकील हैं, लेकिन वो जनता का पैसा अपने सरकारी घर में महंगे स्विमिंग पूल, वकीलों की फीस और विज्ञापन पर खर्च कर रही है। आपको देश के सबसे बड़े वकीलों को 25-25 करोड़ रुपया देकर वो अपना केस लड़ाने की जरूरत पड़ रही है, उसका कारण क्या है वो बताइए। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं, दिल्ली सरकार के सरकारी वकील भी होते हैं जो उनके पैनल पर होते हैं और वो सीनियर लॉयर होते हैं, मगर आप उनसे अपना केस नहीं लड़ाना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि वो चाहे जितने महंगे वकील खरीद ले, लेकिन जिस नेता का नाम चार्जशीट में आया है उसे नहीं बचा पाएगी। वहीं दिल्ली के मेयर के मसले पर भी दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी में मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है, लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी एमसीडी को चलाए। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, संविधान की हत्या करके एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। परेशानी करनी है, रास्ता फिरानी है, काम नहीं होने देना। आज बताओ, जब रुक गया काम रुक गया किसको? दिल्ली की जनता को हुआ ना, लोग पार्षद बनते, पार्षद चुन के अपने काम भी लगते, दिल्ली का लॉस हो रहा है काम करने में, उन्होंने इस काम को पोस्टपोन कर दिया। शुरुआत किसने करी? उनके पार्षदों ने करी। कुर्सी उठा के फेंक रहे हैं, सब उठा के फेंक रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सीएम केजरीवाल आरोपी पार्षदों को निलंबित नहीं करते। बीजेपी ने एलजी से ऐसे पार्षदों को निलंबित करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि 6 जनवरी को एमसीडी में मेयर के चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ था। आम आदमी पार्टी मनोनीत पार्षदों के पहले शपथ ग्रहण का विरोध कर रही थी। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। और हमने बुलेटिन की शुरुआत में जिस बात खबर का जिक्र किया था, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे, अपने आप में बड़ी खबर। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। अमृतकाल में प्रवासियों की है बड़ी भूमिका, ये एक तरीके से आज एक मूल मंत्र निकल के आया। और इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रमित माकोड़े जी, जो कि चेयरमैन हैं फ्रेंड्स ऑफ एमपी बोस्टन न्यू इंग्लैंड के। बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिम जी। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान लॉर्ड रामी रेंजर जी हैं, जो कि सीनियर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है यूके से। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉर्ड रामी रेंजर जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मौका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, और ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना, तमाम लोगों का आना, ये कितना एक महत्वपूर्ण है वापस अपनी जड़ों से जुड़ाव के मौके के तौर पे। और ठीक कहा, मां की ताकत उसके बच्चों से होती है। जिस मां के बच्चे बिगड़ जाते हैं उस मां की ताकत भी उसके साथ से बिगड़ जाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो काम किया है अपने बच्चों को सारी दुनिया से अपने इंडिया के साथ जोड़ दिया है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर हिंदुस्तान ने एक वर्ल्ड पावर बनना है तो वो प्रवासियों के थ्रू ही बनना है। हम हर भारत माता के अम्बेसडर हैं, हर कोने कोने में रह रहे हैं और भारत माता की सभ्यता को फैला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम क्या चीज है और क्या आपको दे सकते हैं। हम एक बहुत पॉजिटिव फोर्स है। हमने सारी दुनिया को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, बिजनेसमैन भेजे, अभी तो हम प्राइम मिनिस्टर भी भेज दिया यूके को। हमारी जो सभ्यता 6000 साल पुरानी है,
वो उसका जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, इन्वेडर आए, हमने उसी मकाम पे वापस पहुंचना है जब किसी टाइम हम थे। और वो ये आज की गवर्नमेंट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, वो कहते हैं कि पैसा जो है वो पैसे से नहीं बनता, पैसा बनता है विजन से। ये मोदी जी का विजन है, जो इतना उन्होंने टूर किए और भारत माँ के साथ उनके बच्चों को जोड़ा, क्योंकि हर देश का सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल एसेट होता है वो उसकी सिटीजनशिप सिटीजन होते हैं। उन्होंने हमारे को एम्पावर किया है, हमारे में जागृति लाए है, हमारे में देशभक्ति लाए है, हमारे में वो लगन लाए है कि हम वापस अपनी माँ के साथ जुड़े और माँ को एक महान माँ बनाए, जो दुनिया में गर्व के साथ आज भी कह सकते मैं भारतीय हूँ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जी। जिस दिन दो जिन जिन प्रवासियों ने भारत माँ के लिए अच्छा काम करके उसको उसका नाम गर्व से ऊपर किया है, उनको गवर्नमेंट आज उनको सम्मान दे रही है। हम उसके ऊपर बहुत खुश हैं कि मैं कहता हूँ हर बच्चा अपनी माँ की ऐसे ही सेवा करे जैसे ये सम्मानियों ने की है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही प्रमित जी। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब देश के साथ में जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उस जुड़ाव को एक नया एक मंच देना और जुड़ने का एक मौका देना, ये अपने आप में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से होता दिखाई पड़ रहा है। आज के इस समय के इस आयोजन को किस तरह से आप देखते हैं और ये जुड़ाव को कैसे और गहरा करेगा आने वाले अगले 25 वर्षों के लिए, जो हम अमृत काल की पूरी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यस, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज अपनी बात को रखें आप। नहीं, ये बड़ा ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस था, आज इम्पोर्टेंट दिन था इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। इंदौर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 6 times इन अ रो गॉट दिस, बहुत ही अच्छा उनको चांस मिला कि ये प्रवासी भारतीयों को होस्ट कर सकें। 4,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय आज इंदौर में हैं और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रवासी भारतीय के साथ साथ ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया G20 में भी अध्यक्ष के रूप में ये साल में पूरा अपना कार्य का निर्वहन करेगा। तो प्रवासी भारतीय अंडर G20 लीडरशिप और प्रवासी भारतीय पूरे दुनिया भर में जो है वो हिंदुस्तान G20 के बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं। उन इनिशिएटिव्स को प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में ले जाए और इंडिया की लीडरशिप में डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफॉर्मेशन होने का काम करें। उदाहरण के लिए डिजिटल एजुकेशन जो इंडिया में क्वाइट सक्सेसफुल है उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ले जा सकते हैं। ई हेल्थ केयर उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे ले जा सकते हैं। जब मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो उसमें अफ्रीका के डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज उनको हम किस तरह से महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सके उस पर एक विशेष प्रवासी भारतीयों को जोर देना चाहिए। और जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम जो G20 की है और जो मेन फिलॉसफी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की है उसके अंतर्गत भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स को दुनिया के बहुत सारे देशों में ले जाए जिनको इनकी आवश्यकता है और प्रवासी भारतीय उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी रामी जी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं वो भारत की जो कल्चरल है स्पिरिचुअल जो ताकत है उसके बारे में तो बहुत बेहतरी से जानते ही हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जो भारत ने एक विकास यात्रा की है उसके बारे में भी अपडेट रहना और दुनिया को उससे रूबरू कराना, इस बात की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इशारों में दिए तमाम प्रवासियों को। देखिए हम बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ प्रमेश जी, ये सवाल मेरा लॉर्ड रामी रेंजर जी से है, मैं आपके पास आता हूँ अभी। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें अच्छे लीडर मिले जिन्होंने हमें अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इन 1947 में दो कंट्री बनी थी, एक टू प्रमोट पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर रिलीजन, दूसरा टू प्रमोट पीपल रिगार्डलेस रिलीजन। एक किधर जा रहा है और एक किधर जा रहा है, एक दुनिया में पॉजिटिव फोर्स बन गई है, एक नेगेटिव फोर्स बन गई है। ये हमारे जो जिन्होंने हमारे संविधान दिया, बाबा जी ने बड़े सोच समझ के दिया कि जिस देश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन फ्रीडम। हमें इतनी फ्रीडम मिली है इंडिया में, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई भी लीडर चुन सकते हैं,
किसी तरह किसका हमें हमारे पर दबाव नहीं है। हम होलसमली डेवलप हुए हैं, इसलिए वी आर ए ग्लोबल सिटीजन, हम सारी दुनिया के साथ वैल्यू शेयर करते हैं। आज मैं लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट के साथ यूके इंडिया ट्रेड डील करने के लिए, उनको मैं बता रहा हूँ कि यूके ट्रेड डील जो होगी वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी, जिसमें नंबर 5 नंबर 6 विश्व इकोनॉमी जुड़ेंगी, और जो ऐसी जुड़ेंगी जिनकी वैल्यूज भी सेम है। दोनों सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों का रूल ऑफ लॉ इज एट द हार्ट ऑफ द गवर्नर। हम किसी को चाइना की तरह, वी डोंट स्पाई ऑन एनीबॉडी, वी डोंट अंडरमाइन किसी के देश को, हम अंडरमाइन नहीं करते, किसी के ऊपर हमने क्लेम नहीं डाला, किसी के ऊपर हमने कुछ नहीं किया। हमारी जो वैल्यूज है, ये वैल्यू से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं अभी महात्मा गांधी जैसे लीडरों को मैं सलाम देता हूं, जिन्होंने, जैसे सरदार पटेल थे, जिन्होंने काम किया, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जो इंडिया को यूनाइट किया, जो मॉडर्न डे इंडिया आज हम देख रहे हैं एक विश्व में ताकत की तरह खड़ा है, वो सरदार पटेल के सिर पे सेहरा जाता है, क्योंकि उन्होंने 600 से ज्यादा राज्यों, जो छोटे छोटे राजे महाराजों को जोड़ा, कौन देता, अपने कोई अपना घर नहीं देता, उन्होंने किस तरह उन राजों महाराजों से राज लेके भारत माँ के चरणों में समर्पण किया। तो ये देखने वाली चीज है कि हमारे कितने, हम लकी है कि हमारे नेता इतने इतने बड़े हुए, जिन्होंने नॉट ओनली इंडिया को, दुनिया को चेंज कर दिया। महात्मा गांधी विश्व के लीडर है, उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट शुरू किया अमेरिका में, अपार्टाइड के अगेंस्ट जो मूवमेंट चली वो भी गांधी जी से इंस्पायर होके हुई थी। तो इसलिए हम तो आज गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी है, क्यों, हमें दुनिया रिस्पेक्ट करती है। कितनी कंट्रियों ने वीजा फ्री हमें दे दिया है कि आओ, वीजा की जरूरत भी नहीं है। ये एक लीडरशिप के ऊपर पड़ता है, एक कौम उतनी महान होती है जितने उनके लीडर हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, जी, कट अबव द रेस्ट। जब वो बात करते हैं बड़े बड़े के मुंह चुप 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 हो जाते हैं। हमें तो इतने थे, गडकरी जी है, राजनाथ जी थे, ये टीम जो मोदी जी ने चुनी है, ये हीरे चुने हैं। हीरो ने माँ के गले में एक ऐसा हाथ डाल दिया है जिससे विश्व में हमारा नाम बन रहा है। बिल्कुल, ये जो बात लॉर्ड रॉमी रेजर जी आप कह रहे हैं, बहुत एक भावनात्मक लगाव साफ तौर से आपका दिखाई पड़ रहा है भारत के बारे में, भारत से जुड़ी तमाम बातों के बारे में। प्रमित जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है, देखने और सोचने समझने को लेकर कई प्रकार के बड़े बदलाव हैं, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं, अब भारत दुनिया को समाधान दिखाता नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बदलाव को, और प्रवासी क्या एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं भारत के इस विकास यात्रा में? प्रमित जी, नहीं, ये जो आपने कहा कि एक बड़ा बदलाव आया है पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का, पर हम प्रवासी भारतीयों को भी बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट होल वर्ल्ड पेज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड टू प्रवासी भारतीय नाउडेज, एंड दैट रिस्पेक्ट हैज गॉन मल्टीफोल्ड इन लास्ट 8 to 10 years एंड पर्टिकुलरली 8 years अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और वो जो कॉन्फिडेंस है अब एक इंडियन एनआरआई में दिखता है, फर्स्ट टू डिलीवर समथिंग एंड टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द इक्वल फुटिंग, वी डोंट गो एनीवेयर इन द पोजीशन ऑफ रिक्वेस्ट, वी गो द पोजीशन ऑफ पावर एंड देन निगोशिएट एंड देन डिलीवर। सो ये कर्म भूमि से जन्म भूमि को कनेक्ट करने का जो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है प्रवासी भारतीय दिवस, इसका प्रवासी भारतीयों ने भरपूर फायदा लेना चाहिए। और जो वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब सक्सेसफुल हो रही है, उसको हमको पूरे विश्व में ले जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द डेवलपिंग वर्ल्ड और द पुअर कंट्रीज, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज शुड टेक द प्रोग्राम्स विच हैव बीन स्टार्टेड बाय द ऑनरेबल दिस आयुष्मान भारत प्रोग्राम। एज वी आर डूइंग वंडरफुल वर्क इन आयुष्मान भारत, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट द प्रॉपर आउटकम्स आर नॉट गेटिंग इक्वली अटैच टू इट। What Honorable Prime Minister has given us is lot of importance on integrative medicine. That is how modern medicine, yoga, Ayurveda, naturopathy can come together, and how that whole integrative medicine can bring lot of solutions and value to the whole healthcare industry. So one way is doing Ayushman Bharat and bringing cost
cost of healthcare, and on the other side, he's bringing integrated medicine and providing solution to the healthcare that could be replicated all over the world. जी, रामी जी, एक final comment आपसे छोटा सा चाहेंगे, क्योंकि आप कैसे देखते हैं कि भारत अब यहां से कैसे दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करता नजर आएगा? आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, दुनिया में तमाम ऐसे बड़े काम हमने करके दिखाए हैं जो तमाम देश नहीं कर पाए हैं, और वो मुकाम क्या और उसमें प्रवासियों का योगदान क्या? संक्षेप में छोटा सा जवाब। सबसे पहले तो ये भारत का विकास दुनिया का विकास है, जो गरीब देश है उनको भी भारत साथ लेके चल रहा है। आपने देखा कोविड में गरीब देशों को किसने मदद की? भारत ने मदद की। भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की है। भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और भारत के जो सिटीजन है जो दुनिया में सेटल हुए हैं, दे हैव ब्रॉट बहुत बड़ा सम्मान लेके आए माँ के लिए। हमने यहाँ आके कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत की है, मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन किया है, इसलिए आज हम दुनिया में गर्व से कहते हैं हम भारतीय। ये वैल्यू जो मैं कहता हूँ 6,000 साल पुरानी वैल्यू, अब दुनिया में हर चीज में आगे थे, साइंस में आगे थे, मैथमेटिक्स में आगे। आप मंदिर जाकर देखो 2,000 साल पुराना मंदिर, आपको हैरान हो जाएगा। जब क्रेन भी नहीं थी, कुछ मशीनें भी नहीं थी, कैसे उन्होंने आर्किटेक्ट बनाया? वही उसी मुकाम पे हम वापस पहुंचेंगे जब देश दुनिया में भारत सोने की चिड़िया होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, देश जो है सोने की चिड़िया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान को इस तरीके से जाना जाता था विश्व में, और विश्व गुरु बनने की जो पहल एक शुरुआत हुई है उसमें हर एक योगदान देंगे, प्रवासियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत शुक्रिया प्रमित मौकोले जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लॉर्ड रामी रेजर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजस्थान के एक दिन के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया के अंतर्गत स्वीकृत इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। अनुराग सिंह ठाकुर उदयपुर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान की बदतर हो रही कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। साथ ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2014 तक खेलों का बजट 800 करोड़ रुपए होता था, जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश में खेल परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया गया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम, उन खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, उनके ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है, और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। इस तरह से ही एक और स्कीम है जहां हम खेलो इंडिया के अंतर्गत लगभग 3000 खिलाड़ियों को पूरे देश भर से चयनित करके सरकारी और गैर सरकारी अकेडमी में उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाद में उदयपुर में केंद्रीय मंत्री ने विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबेल संस्थान में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, साथ ही खेल महाकुंभ सप्ताह और ठाकुर गुमान सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वो राजस्थान नहीं है जो इमेज राजस्थान की थी। उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबेल इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में बलात्कार और हत्याओं के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में लगातार हो रहे परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। तो इस बात को बताएं प्रदेश के युवाओं को कि अभी और कितने पर्चे लीक होने बाकी हैं। 16 बार एक राज्य में पेपर लीक हो जाए, सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती ये गहलोत सरकार, ये दिखाता है कि कैसे इनके सिस्टम के अंदर ही मिली भगत है। और अगर करप्शन में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम आता है तो जिस तरह के निर्देश राज्य की सरकार देती है सबको शर्मसार करती है, कोर्ट को भी सोचना पड़ता कि आखिरकार ऐसे राज्य में होगा क्या। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राजस्थान के पाल में बीएसजी और ग्रैंड कैंप फायर के समापन समारोह में शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट के साथ मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज। और खबर ब्राजील से। ब्राजील की संसद पर पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद घमासान मचा हुआ है। हमले के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति ने कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम कई बड़े नेताओं ने इस प्रकार की घटना की निंदा की है। लोकतंत्र को कुचलने का गवाह बनी ब्राजील की ये 3 तस्वीरें। रविवार को हजारों की संख्या में बोल्सोनारो समर्थकों ने उस लोकतंत्र को रौन दिया जहां कुछ दिन पहले शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अपनी चुनावी हार को स्वीकार करने से इनकार करने वाले ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छतों पर चढ़ गए। हिंसक होते प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों के खिड़कियों का शीशा तोड़ दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर भारी पड़ते देखे गए। हालांकि हमले के वक्त राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं थे। घंटों की झड़प के बाद प्रमुख इमारतों पर वापस नियंत्रण हासिल पा लिया गया। घटना स्थल पर पहुंचे राष्ट्रपति लूला ने हमलों को बर्बर करार देते हुए पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हिंसा के लिए दोषी ठहराते हुए प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। राजधानी में हिंसा फैलने के बाद बोल्सोनारो ने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करार देते हुए इसे लोकतंत्र का हिस्सा बताया, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के ठीक एक हफ्ते बाद ब्राजील के हिंसक प्रदर्शन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुकी थी। लोकतंत्र पर हुए प्रहार को सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने अलोकतांत्रिक करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति अपने समर्थन की प्रतिबद्धता जताई, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता जताते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की अपील की।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ब्रासिलिया में सरकारी संस्थानों में दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी बोल्सोनारो समर्थकों के हमले की निंदा की। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में ब्राजील में हुए आम चुनाव में बोल्सोनारो की हार हुई थी। तब वामपंथी पार्टी के लुइज इनासियो लुला डिसिल्वा ने मामूली अंतर से जीत हासिल कर ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने, लेकिन बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनाव नतीजे मानने से इनकार कर दिए। तब से ही बोल्सोनारो के समर्थक लुला के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात मौसम की। इन दिनों मौसम की मार से पूरा उत्तर भारत हलकान है। मौसम विभाग की माने तो कल के बाद से शीतलहर में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। राजधानी दिल्ली में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह के वक्त सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार घने कोहरे की चपेट में नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 5:30 बजे भटिंडा, चंडीगढ़, आगरा और लखनऊ में शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वहीं अमृतसर, अंबाला, दिल्ली का सफदरजंग, वाराणसी, भागलपुर और राजस्थान के गंगानगर में दृश्यता 25 मीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, उत्तर प्रदेश के बरेली, बहराइच और प्रयागराज, जबकि बिहार के गया और पटना में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में मंगलवार से शीतलहर में कमी का अनुमान जताया है। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जबरन या धोखे से हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं है, हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। देश के विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याचिका में गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन का हवाला दिया गया था। पुलिस, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा चार्जशीट को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा है। सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले से यह तय करेगी याचिका में की गई मांग पर नोटिस जारी किया जाए या नहीं। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मामले में जुड़े लोगों के अलावा दूसरों को चार्जशीट मिलती है तो उनके दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत भुगतान के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भुगतान का निर्देश दिया है। केंद्र ने सरकार के अनुरोध पर बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है और सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि इससे ज्यादा और देरी न की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर भुगतान में दिक्कत आती है तो वो फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है, दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में हमारे दखल की जरूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कीजिए।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और डॉक्टर सुभाष सरकार ने 27 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छात्रों को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करने का काम करता है।